रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने नवीन मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अतिथियों से शुल्क लिए जाने की जानकारी दी। इसके साथ ही व्यापारियों ने जेएम को समस्याएं बताई और उनके निदान की मांग की। वहीं मंडी में आई गाड़ियों की एंट्री न मिलने पर मंडी निरीक्षकों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मंडी व्यापारियों ने कहा कि वह लाखों रुपये टैक्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। जेएम ने उक्त समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। देखिए, सब्जी मंडी की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी और ऐसे जब हमने यहाँ आके विजिट करा है तो काफ़ी अनियमितता पाई गई हैं। पहले तो जो गेट पासिस होते हैं जो इनके कट के उसी समय फार्मर को देने चाहिए, तो तब देते नहीं, एट दी एंड ऑफ द डे देते हैं, उसमें अनियमितता रहती है, सरकार को वित्त की हानि पहुँचती है। दूसरी चीज़ है मूलभूत सुविधाएँ की जो बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। अगर आप खुद आपके पास विजुअल्स हैं, आप टॉयलेट की देखेंगे तो इससे बेकार टॉयलेट्स आज की डेट में रुड़की में मैंने नहीं देखे हैं। पानी के लिए लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि पानी में कीड़े आते हैं। जो वाटर कूलर है इनका दो पिछले साल या उससे पिछले साल लगा था, जो भी है, इस साल तो धूल जम रही है उस पर, तो नहीं चल रहा है। बाकी यहाँ देखा गया तो इन्होंने फड़ काफ़ी लगा रखी है, काफ़ी जगह इन्होंने वो लगा रखे हैं आपके जो जिसमें सामान तो रखते हैं, जिसको आप पैकेट्स वो रहेंगे, आप एक तरीके से कहेंगे प्लास्टिक बकेट्स कहेंगे, तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक बकेट्स हैं वो जगह घेरते हैं, जो बड़ी वाली दुकानें रहती हैं उनके घेरते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं जो किसान जो हमारा दूर से आता है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। एक्चुअली में जिस कंसाइनी के पास जाना चाहता है उस तक पहुंचने के लिए उसे एक झंझोर तरीके से करना पड़ता है, तब तक यहाँ काफ़ी मिडिल मैन रहते होंगे, वो उसको ठग लेते होंगे।